हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंदा। आज हम एवरेज का पार्ट टू कराएंगे। पार्ट वन का जो वीडियो है वो मैंने कल रात को मैंने दिया था और वहाँ पर काफ़ी सारे व्यूज आ गए, 60 व्यूज आ गए। ठीक है, तो आप जो कोई भी ये पार्ट टू का लेक्चर फर्स्ट देख रहे हैं वो उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले मेरा जो एवरेज का पार्ट वन है वो देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट टू देखिए। और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा 10 वीडियो है, उसका लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करोगे तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी क्वेश्चन छूटेगा, और सब क्वेश्चन 30 सेकंड्स में ही हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से देख लेना। और सिंप्लीफिकेशन का भी 4 वीडियो है, उसका लिंक भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी देख लेना। तो सिंप्लीफिकेशन का भी और प्रॉफिट एंड लॉस का भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो एवरेज का ये मेरा सेकेंड वीडियो है, और इसके बाद और एक और वीडियो होगा तो वहाँ पर ही एवरेज खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पहले तो आप में तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इस क्वेश्चन में मेरा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, तो उस क्वेश्चन में मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और मेरा जो फेसबुक एक ग्रुप है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना तो क्या होगा कि आप लोगों का भी पढ़ाई हो जाएगा उसमें। अगर आप एक अगर आप 15 से 20 हजार अगर मेरे इस ग्रुप में अगर ज्वाइन हो जाओगे तो क्या होगा ना, आप लोगों का भी पढ़ाई हो जाएगा उस ग्रुप में। ठीक है, तो मेरा फेसबुक ग्रुप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा में जुड़ जाना। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा का नाम का, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो उस ग्रुप में जाकर तो आप क्या करना कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा तो इस तरह का क्वेश्चन ना मैंने पार्ट वन में कराया है, लेकिन पार्ट वन में लेकिन मैं फिर से एक इस टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोगों का क्या इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत डाउट है, इसलिए मैं ना फिर से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन नहीं है, सेम टाइप का क्वेश्चन। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, और पहले पार्ट वन को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट टू देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है यहाँ पर, क्या है, एवरेज मनी ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज ₹30। ठीक है, 30 रुपीज है एवरेज मनी है 20 स्टूडेंट्स का। इफ वन न्यू स्टूडेंट ज्वाइन देन द न्यू एवरेज बिकम्स 29। इसका मतलब क्या, एक कम हो गया, देन फाइंड द अमाउंट व्हिच ब्रिंग्स बाय द न्यू स्टूडेंट। तो अब हमें निकालना है कि न्यू स्टूडेंट कितना मनी लेकर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं जो एक्स मान के नहीं करूंगा, मैं शॉर्टकट ट्रिक्स में करूंगा। 10 सेकंड अगर आप समझ जाओगे तो 10 सेकंड में ही हो जाएगा। तो क्या है, 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मनी है वो क्या है, ₹30। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या हुआ, एक नया स्टूडेंट ज्वाइन हुआ इस ग्रुप में, मानते हैं उस नया स्टूडेंट का नाम है ए। तो नया स्टूडेंट क्या किया, उन्होंने वो ज्वाइन होने के बाद क्या हुआ, टोटल जो अब जो 21 स्टूडेंट्स है ए को मिलाकर, तो 21 स्टूडेंट्स का एवरेज जो मनी है वो क्या हो गया, 29 हो गया। इसका मतलब क्या, एक कम हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि ए कितना रुपया लेकर आया था, तो क्या हो गया, एक कम कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो देखिए, तो टोटल 31 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना हुआ, 29। इसका मतलब क्या है, ए ट्वेंटी नाइन रुपीज लेकर आया था। अगर 30 रुपीज लेकर आता तो क्या होता, तो एवरेज तो 30 रहता ना, तो कोई भी कम भी नहीं होता, ज्यादा भी नहीं होता। तो अब एवरेज कितना है, 29, तो ए को 29 रुपीज तो लाना ही है। तो क्या किया, अब ए क्या किया, 20 स्टूडेंट्स का एवरेज है वो एक करके कमा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, 20 स्टूडेंट्स का एवरेज एक रुपीज करके डिक्रीज कर दिया। तो टोटल एवरेज कितना डिक्रीज हुआ, 20 स्टूडेंट्स का एक करके, तो टोटल कितना हुआ, 20, तो -20, तो ए कितना रुपीज लेकर आया था, 9 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को।
ठीक है, तो क्या हुआ 31 स्टूडेंट्स का एवरेज अब कितना है 29 है। इसका मतलब क्या है, ए को तो 29 रुपीज लेकर आना ही है, और ऊपर से ये क्या किया, ए 20 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 1 रुपीज करके कमा दिया, ठीक है, डिक्रीज कर दिया। तो टोटल तो कितना हुआ, तो टोटल ए तो टोटल ए ए टोटल 20 स्टूडेंट्स का कितना रुपीज डिक्रीज किया, 20 रुपीज, 20 स्टूडेंट्स का 1 रुपीज करके डिक्रीज कर दिया। तो टोटल कितना होगा, 20 होगा, तो ए कितना रुपया लेके आया था, 9 रुपीज। तो ए कितना रुपीज लेकर आया था, 9 रुपीज। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन, क्या है, एवरेज मनी ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज रुपीज 30। तो 40 स्टूडेंट्स का एवरेज मनी क्या है, 30 रुपीज है। ठीक है, अब क्या है, इफ टू न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन, दो न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन किया ए एंड बी, अच्छा अब क्या हुआ, देन न्यू एवरेज बिकम्स 30.5। तो क्या हुआ, अब टोटल न्यू एवरेज कितना हो गया, 30.5। इसका मतलब क्या, 0.5 इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, देन फाइंड द सम ऑफ अमाउंट व्हिच ब्रिंग्स बाय द टू न्यू स्टूडेंट्स। तो ए एंड बी टोटल कितना रुपया लेकर आया था, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो टोटल अब उन दोनों के मिलाकर टोटल एवरेज कितना है, 30.5। इसका मतलब क्या है, ए को भी 30.5 रुपीज तो उसके पास होना ही चाहिए, और बी के पास भी 30.5 रुपीज होना चाहिए। तो टोटल कितना रुपीज होना चाहिए उन दोनों के पास, 61। ठीक है, ये तो होना चाहिए, अगर ये 61 रुपीज लेकर आता तो जो 41-42 स्टूडेंट्स का एवरेज इतना नहीं बढ़ता, 0.5 नहीं बढ़ता, क्या बढ़ता, 0.00 समथिंग कुछ बढ़ता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 40 स्टूडेंट्स का ए एंड बी ये दोनों मिलाकर 40 स्टूडेंट्स का एवरेज मनी 0.5 करके बढ़ा दिया। क्या हुआ, 40 स्टूडेंट्स का एवरेज मनी 0.5 करके इंक्रीज कर दिया। तो टोटल कितना इंक्रीज किया, टोटल कितना इंक्रीज किया, 40 × 0.5 वही तो होगा ना। अगर मान लीजिए, अगर 20 स्टूडेंट्स का अगर एवरेज अगर 2 करके अगर बढ़ा देगा तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, 20 × 2 होगा ना, क्या होगा, 40 होगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, 40 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना बढ़ाया, 0.5 करके बढ़ाया, तो कितना बढ़ा होगा, 40 × 0.5। इसका मतलब क्या, 61 + 20, इसका मतलब क्या, 81। तो ए एंड बी ए दोनों क्या किया, 81 रुपीस लेकर आया था। ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ मनी व्हिच ब्रिंग बाय द न्यू स्टूडेंट। तो ए एंड बी ब्रिंग 81 रुपीस विद देम। ठीक है, तो ए एंड बी टोटल, ए एंड बी ये दोनों मिलाकर 81 रुपीस लेकर आया था। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब देखते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन। ठीक है, एक नया टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, 30 स्टूडेंट्स हैव सर्टेन एवरेज ऑफ मनी। 30 स्टूडेंट्स का कुछ एवरेज मनी है। नाउ वन मोर स्टूडेंट विथ रुपीज 120। इस बार क्या है, जो नया स्टूडेंट्स जो आया है वो टोटल कितना रुपीज लेकर आया था वो दिया हुआ है। तो आगे इसके आगे हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर क्या होता, ये 120 हमें निकालना था। तो यहाँ पर क्या है, 120 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, 30 स्टूडेंट्स का कुछ एक एवरेज मनी था, मानते हैं एक्स था। अब क्या किया, न्यू वन स्टूडेंट, एक नया स्टूडेंट आया, वो टोटल कितना रुपीस लेकर आया, 120 रुपीस लेकर आया। अच्छा, देन जॉइंस देम सो दैट द न्यू एवरेज इंक्रीज्ड बाय 1। तो क्या हुआ, टोटल ए को मिलाकर तो क्या हुआ, एवरेज 1 इंक्रीज हो गया। तो क्या हुआ, +1 हो गया। ठीक है, तो पहले कितना था, एक्स था, ए ज्वाइन किया 120 रुपया लेकर, उसके बाद क्या हुआ, जो 31 स्टूडेंट्स का एवरेज 1 इंक्रीज हो गया। तो अब क्या हुआ, एक्स प्लस 1। तो अब हमें निकालना है, फाइंड आउट द न्यू एवरेज ऑफ 31 स्टूडेंट्स। तो अब हमें एक्स प्लस 1 निकालना है। ठीक है, अच्छा तो देखिए, ए क्या किया, ए 120 रुपीज लेकर आया। तो अब क्या है, यहाँ पर क्या है, तो ए को तो एक्स प्लस 1 रुपीस लेकर आना था, तो वो क्या किया, ए सिर्फ एक्स प्लस 1 रुपीस लेकर नहीं आया, ए कुछ ज्यादा रुपीस लेकर आया, जिसमें से 31 स्टूडेंट्स का एवरेज 1 करके इंक्रीज हो गया।
ठीक है ना। अगर ए अगर एक्स रुपीस लेकर आता तो टोटल एवरेज कितना होता, एक्स ही होता। लेकिन ए ने वैसा नहीं किया, ए क्या किया, ए ने एक्स प्लस वन रुपीस लेकर आना था, लेकिन एक्स प्लस वन रुपीस लाया, उसके बाद भी ए कुछ एक्स्ट्रा कुछ लेकर आया मनी, जिसमें क्या हुआ, 30 स्टूडेंट्स का एवरेज 1 करके इंक्रीज हो गया। तो ए टोटल कितना रुपीस ज्यादा लेकर आया, 30 स्टूडेंट्स का 1 करके इंक्रीज हुआ, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ, -30 रुपीज, तो क्या हुआ, यहाँ पर 90। ठीक है, तो एक ए को कितना रुपीस लेकर आना था, 90 रुपीस। ए अगर 90 रुपीस लेकर आता तो यहाँ पर 90 हो जाता। ठीक है, तो न्यू जो एवरेज क्या हो गया, न्यू एवरेज हो गया 90। तो ओल्ड एवरेज कितना होगा, ओल्ड एवरेज क्या होगा, एक बढ़ा दिया एक कम था, तो यहाँ पर क्या हुआ, 90 -1, यहाँ पर क्या होगा, 89। तो ओल्ड एवरेज था 81। अगर यहाँ पर पूछा होता कि ओल्ड एवरेज कितना था, तो वहां पर होगा 81, 89, एंड न्यू एवरेज कितना है, न्यू एवरेज है 90। ठीक है, तो अभी देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, 40 स्टूडेंट्स हैव सर्टेन एवरेज ऑफ मनी। तो 40 स्टूडेंट्स का सर्टेन एवरेज मनी था, या मानते हैं एक्स था। ठीक है, अब क्या हो गया, नाउ वन मोर स्टूडेंट्स विथ ₹50। तो ए ज्वाइन किया कितना रुपीस लेकर, 50 रुपीस लेकर ज्वाइन किया। अच्छा, तो अब क्या हो गया, सो दैट द न्यू एवरेज डिक्रीज बाई 0.5। तो अब क्या हो गया, -0.5 हो गया। इसका मतलब कि -0.5, 0.5 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब हमें निकालना है कि 41 स्टूडेंट्स का न्यू एवरेज क्या है, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी क्या है, ए क्या किया, ए 50 रुपीज लेकर आया। ठीक है, तो अगर ए अगर इन 40 जो स्टूडेंट्स है, इनके पास टोटल जितना रुपीज था, इनका जो एवरेज था, मान लीजिए कि यहाँ पर था 80 रुपीज। ठीक है, तो अगर ए अगर 80 रुपीज लेकर आता तो क्या होता, तो इनका जो एवरेज है, एक भी इंक्रीज भी नहीं करता, डिक्रीज भी नहीं करता, सेम होता। अच्छा, अगर ए अगर 80 रुपीज से ज्यादा लेकर आता तो क्या होता, उसका जो एवरेज है इंक्रीज हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ए क्या किया, यहाँ पर क्या हुआ, ए का जो टोटल जो 40 स्टूडेंट्स का एवरेज है डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है, ए को जितना रुपीस लेकर आना था वो रुपीस लेकर नहीं आया। 40 स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट्स के पास जितना स्टूडेंट जितना रुपीस था, जितना पैसा था, तो क्या किया, ए उतना पैसा लेकर नहीं आया उनमें से, उस तो उनके पास जितना था उसमें से कम लेकर आया। ठीक है ना, उसमें से कम लेकर आया, तो कम लेकर आया। इसका मतलब क्या है, इन 40 स्टूडेंट्स को अपने पॉकेट में से ए को कुछ कुछ रुपया देना पड़ा, देकर क्या किया, वो उनके बराबर कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें उन सब का जो एवरेज है वो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज नहीं होगा ना, इनके पास 80 रुपीज था, ये 50 रुपीज लेकर आया, तो क्या हुआ, तो 40 में हर एक स्टूडेंट क्या क्या करेगा, अब 6 पैसा या 50 पैसा या 60 पैसा करके देगा उनको, ए को। तो ए कर देकर क्या क्या करेगा, उन सबके पास एक बैलेंस करेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, उनका जो एवरेज है, एवरेज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, तो ए टोटल कितना रुपीस लेकर आया, 50। लेकिन ए को कितना रुपीस लेकर आना था, ए को कितना रुपीस लेकर आना था, ए को टोटल कितना रुपीस लेकर आना था, 14.5। इसका मतलब क्या है, 50 + 20, इसका मतलब क्या है, 70। तो ए अगर 70 रुपीस लेकर आता तो इन सब का कोई भी जो एवरेज है डिक्रीज नहीं करता। ठीक है, तो ए अगर 70 रुपीस लेकर आता तो क्या होता, इन सब का जो एवरेज है डिक्रीज नहीं करता, तो क्या है, तो हमारा न्यू एवरेज क्या हुआ है, न्यू एवरेज है 70 है। ठीक है ना, तो न्यू एवरेज क्या है, 70 है। तो ओल्ड एवरेज कितना था, तो ओल्ड एवरेज था 70 + 0.5। क्या क्यू 0.5 होगा, प्लस होगा, क्योंकि 0.5 करके डिक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर क्या था, 0.5 ज्यादा था, तो क्या हो गया, 70.5।
तो ओल्ड एवरेज कितना था, ओल्ड एवरेज था 70.5 एंड न्यू एवरेज कितना है, न्यू एवरेज है 70 रुपीज। ठीक है, अच्छा तो ये तो था हमारा जो एवरेज का पार्ट टू। इसके बाद पार्ट थ्री कराएंगे, वही एवरेज का लास्ट होगा, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर शुरू कराएंगे उसके बाद। तो आप लोगों में से जिनको भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड जो सिंप्लीफिकेशन का जो वीडियो है, लेक्चर है, उस लेक्चर को एक बार ज़रूर देख लेना, तो उससे क्या होगा, आप लोगों का जो प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंप्लीफिकेशन का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और मेरे जो फेसबुक ग्रुप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फंडा में ज़रूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।